मुरादाबाद में पहली बार बाल दिवस के अवसर पर हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संयोजन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। हाफ मैराथन दौड़ मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र अंतर्गत हर्बल पार्क से शुरू की जाएगी, जिसको लेकर हर्बल पार्क पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। हर्बल पार्क के आसपास और हर्बल पार्क के अंदर साफ सफाई को लेकर काम किया जा रहा है, जिससे एक अच्छा नजारा सभी को देखने को मिले। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का ये प्रयास है कि बाल दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम एक यादगार बन जाएं, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बताते चलें कि पहली बार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बाल दिवस के अवसर पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए हर्बल पार्क में बाल मेला आयोजित कराया जाएगा। साथ ही हाफ मैराथन दौड़ भी आयोजित होगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हर्बल पार्क में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर शहरवासी भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। महानगरवासियों का ये कहना है कि पहली बार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बाल मेला और हाफ मैराथन दौड़ आयोजित की जा रही है, जो एक अच्छा प्रयास है। सिटी चैनल से बात करते हुए हर्बल पार्क में घूमने आए महानगरवासियों ने कहा। क्या नाम है आपका? जया पांडे। पांडे जी, कहाँ पे पहुँची हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मुरादाबाद सिटी है, बहुत अच्छी है। और मुरादाबाद सिटी जो है, ये हर्बल पार्क मैंने पहली बार एंजॉय किया आज, और बहुत एक्साइटमेंट हूँ यहाँ आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगी यहाँ की? सफाई तो बिल्कुल सही है। क्या क्या और होना चाहिए बच्चों के लिए यहाँ? बच्चों के लिए खेल कूद के लिए थोड़ा और एंजॉय वाला जो चीज़ होते हैं, झूला वगैरह या पार्किंग बढ़िया सजा हो जाए। एटमॉस्फेयर किस तरह का लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी एमडी के लिए आप? कहना चाहेंगे कि मतलब यहाँ जो इस पार्क में थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं आप। एक बच्चों के लिए प्रतियोगिता भी एमडी यहाँ पे कराने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे प्रतियोगिता के लिए आप, उसको कैसा लगेगा? बच्चे फ्री में सब कुछ करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। ये वाली व्यवस्था तो आपने बहुत अच्छी बनाई कि बच्चे फ्री में खेलें कूदें एंजॉय करें और उन्हें खुश हों, और क्या चाहिए इसके लिए। नाम है आपका? शिवानी ठाकुर। शिवानी जी, आप कहाँ से आई हैं और इस टाइम कहाँ मौजूद हैं? मैं मुरादाबाद से आई हूँ और मैं हर्बल पार्क में। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पर आके बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ साफ सफाई अच्छी है। अगर सुरक्षा की हम बात करें, बेटियाँ बाहर निकलने से परहेज करती हैं, यहाँ पे कैसा लगा आपको आके? यहाँ पे कोई डर की बात नहीं है। क्या और चाहेंगे, क्या और अच्छा हो जो से और बच्चे यहाँ पे आए? यहाँ पर और अच्छा मतलब साफ सफाई तो वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन और भी ज्यादा झूले वगैरह हो जाए, छोटे बच्चों के लिए और ज्यादा सुविधा हो जाए तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक प्रतियोगिता होने वाली है 14 तारीख में बच्चों के लिए, फ्री रहेगा सब कुछ। क्या कहेंगे एमडीए को, इस एमडीए के इस काम को, आप कैसा लगता है आपको? सब कुछ फ्री होगा यहाँ। क्या नाम है आपका? रागिनी पांडे। रागिनी जी, इस टाइम कहाँ पे मौजूद हो आप? हर्बल पार्क। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब आए थे और अब आए हो तो क्या फर्क देख रहे हो इधर? पहले थोड़ा कम एंजॉय कर पाए थे हम यहाँ पर, बट अब बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, काफी चीजें बदली हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जो पहल है सफाई को लेकर के, उसके लिए क्या कहेंगे आप? पहले से बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पर। और क्या होना चाहिए बच्चों के लिए जो और अच्छा लगे? थोड़े और झूले हो जाने चाहिए, और क्या, और बाकी सभी बहुत कुछ अच्छा है। 14 नवंबर को यहाँ एक मेला लगने वाला है बच्चों के लिए, क्या कहेंगे ऐसे मेले के लिए जिसमें बच्चे भाग करेंगे और फ्री सब कुछ होगा सर आपके आपके लिए? ज़्यादातर डांसिंग सिंगिंग सबके कॉम्पिटिशन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो सब होने जा रहा है, तो आप करेंगे उसमें प्रतिभा। आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का ये कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और हर्बल पार्क पर साफ सफाई के साथ आसपास के क्षेत्रों में बेहतर व्यवस्थाएं करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और सभी शहरवासियों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील भी की गई है। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का जो नया मुरादाबाद योजना है, उसके अंतर्गत हर्बल पार्क स्थित है। उस हर्बल पार्क में हम लोग एक बाल मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलर जो हमारी थीम होगी वो चाइल्ड फ्रेंडली थीम होगी, सभी उसमें आयु वर्ग के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और हमने इनवाइट किया है बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको भी, टीचर्स को भी, और जन सामान्य को, सभी लोगों को इन्वाइट उसमें किया हुआ। उसी से एसोसिएटेड एक और कार्यक्रम हमने रखा है जो कि एक मैराथन के रूप में है, और वो एक हमारी जो है पर्यावरण और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उससे संबंधित
इश्यूज पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हम लोगों ने उस कार्यक्रम को भी प्लान किया है। तो पहले वो कार्यक्रम होगा, उसके बाद में बाल मेला का आयोजन किया जाएगा। सर, ये हाफ मैराथन कितने कितनी दूरी की होगी और कितने उम्र के लोग इसमें भाग ले सकते हैं? देखिए, इसको पार्टिसिपेटिव बनाए रखने के लिए हम लोगों ने दूरी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, करीब करीब 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी रहेगी। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है उसके कार्यालय के सामने से हम लोग जो है हर्बल पार्क तक जाएंगे। इसमें जो है हमारे जो बच्चे प्रतिभाग करना चाहते हैं वो भी प्रतिभाग कर सकते हैं, साथ साथ जो है हमारे अधिकारीगण, हमारे पत्रकार साथीगण, हमारे जो संभ्रांत नागरिकगण हैं और सभी आयु वर्ग के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक अच्छा माहौल और एक अच्छा जो है विमर्श हम लोग इस पर स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रतियोगिता का या इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करवा रहे हैं। सर, मुख्य नमस्कार, मैं हूं शकील सैफी, आप देख रहे हैं सिटी चैनल मुरादाबाद। सिटी चैनल की टीम पहुंची है आज नया मुरादाबाद योजना के इको हर्बल पार्क में। मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की पहल के द्वारा इस इको हर्बल पार्क को एक बार फिर से खूबसूरत बनाने की कवायद की जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि आने वाली 14 तारीख को बाल दिवस के मौके पर इस हर्बल पार्क में एक खूबसूरत मेले का आयोजन किया जा रहा है और मुरादाबाद की आवाम इस मेले में शिरकत करने जा रही है। इस मेले में उनके द्वारा जहां खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी तो वहीं कई तरह के ऐसे गेम भी कराए जाएंगे जो बच्चों के लिए काफी खूबसूरत माने जा रहे हैं। बीसी प्राधिकरण शैलेश कुमार का कहना है कि हम मुरादाबाद के बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जो बच्चों के लिए काफी खुशगवार होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना का हिस्सा मुरादाबाद का यह इको हर्बल पार्क अपनी खूबसूरती के लिए जाना जा रहा है। तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा इस इको हर्बल पार्क को उत्तर प्रदेश का ऐसा पार्क बनाने का ऐलान किया जा रहा है जो अपने आप में खूबसूरत तो होने के साथ साथ मुरादाबाद की आवाम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की आवाम को भी अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेगा। इको हर्बल पार्क से शकील सैफी की सिटी चैनल के लिए एक विशेष रिपोर्ट।